गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों को एक पुराना अपना वीडियो दिखाने वाला हूँ, जब मैं वियना में था अराउंड 12-13 मार्च के आसपास की ये सिचुएशन थी। एंड कैसी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन, जब मैं ग्रॉसरी लेने गया वहाँ पे, तो वहाँ का जो सिचुएशन थी वो आप खुद ही देखिए। अभी मैं अभी पेनी आया हूँ। पेनी होता है एक ग्रॉसरी स्टोर टाइप का होता है, जहाँ पे अभी कोरोना वायरस के चक्कर में सब जो है आप देख सकते हो। सब जो है वो ख़त्म हो गया है, पूरे वेजिटेबल्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और अब हम देखते हैं और क्या क्या हमें मिलेगा यहाँ पे। सो यूजुअली लोग इतना ज़्यादा कह रहे हैं अभी कोरोना वायरस का कि एवरीथिंग इज़ गेटिंग लाइक सिटी जो है वो लॉकडाउन हो रही है। और आप देख सकते हो ये शुगर जो है वो भी ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। एवरीथिंग इज़ गेटिंग लॉकडाउन, सो लोग जो है अपने घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं और सभी जो ग्रॉसरी आइटम्स है वो स्टोर करके रख रहे हैं। इवन आई एम लुकिंग फॉर टिश्यू पेपर, सो टिश्यू पेपर, पानी बॉटल और वेजिटेबल्स तो पूरी ख़त्म हो गई है, मतलब सब ले जा रहे हैं। देखो आप फ्रिज वगैरह देख सकते हो, बहुत एम्प्टी हो गया है पूरा फ्रिज। ये फ्रोज़न कुछ फूड आइटम्स हैं, इधर भी पूरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इवन मैं आपको एक और दिखाता हूँ, देखो ये पूरा जो स्टोर है वो ख़त्म होते जा रहा है। एंड गवर्नमेंट ने अभी रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज़ एंड होटल्स जो है उनको भी बोला है कि 3 बजे तक ही ओपन रखें, रात तक ओपन ना रखें। सो कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभी यहाँ पे भी फैल रहा है। अपने घर पे पूरे आइटम्स स्टोर कर रहे हैं, दे आर नॉट अलाउड टू मूव, दे आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। एंड लाइक इतना ज़्यादा कहर हो जाएगा। एंड आपको इटली का हाल तो पता ही है, इटली बहुत सारे लोग, ये इटली से एक्चुअली ऑस्ट्रिया लगा हुआ है। एंड ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने एक और काम किया है कि उसने अपने सारे बॉर्डर्स जो हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं। सो आप मूव नहीं कर सकते, आप अपनी सिटी नहीं छोड़ सकते, आप दूसरे कंट्री जा नहीं सकते। अगर आप जा रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अपना, अगर इमरजेंसी काम है तो ही आप जाएंगे। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुई है। एंड सभी यहाँ पे सैनिटाइज़र ढूंढ रहे हैं, और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी क्योंकि मिल नहीं रहा है। मैं भी यहाँ पे सैनिटाइज़र ढूंढ रहा हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा है। सो लेट्स सी क्या क्या मैं फिगर आउट कर पाता हूँ। मुझे अभी कुछ दिन और रहना है यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं मूव आउट करूँगा। मैं भी इसे सेफ़ साइड ही देख रहा हूँ कि मुझे कुछ सेफ़ लगे तब मैं ट्रैवल करूँ, बिकॉज ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है अभी। सो उस वजह से देख सकते हो सभी आइटम्स जो हैं वो एम्प्टी हो गए हैं। एंड यही स्टोर नहीं, बहुत सारे सिटी में ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे सब जा जा के अपने मतलब अपना घर में स्टॉक कर रहे हैं पूरा। सबसे ज़्यादा तो टिश्यू पेपर्स की प्रॉब्लम हो रही है और सैनिटाइज़र्स की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। वायरस घर आते जाते जब भी सैनिटाइज़ करते ही अपने आप को। एंड एक और चीज़ यार, रोज़ जो मैं लेता था, रोज़ जो आती थी ब्रेड्स, ब्राउन ब्रेड, और वो भी ख़त्म हो गया। पता नहीं अभी क्या खाऊँगा। सो वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन में मेरे से ऑप्शन होता नहीं है। यहाँ पे नॉनवेज आइटम्स ज़्यादा होते हैं, अभी देखना पड़ेगा कैसे सरवाइव करना है। कुछ दिन और हैं यहाँ पे, सो लेट्स सी। दूध का पैकेट भी नहीं मिल रहा है। मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में, स्पार वाले वीडियो पे, जिसमें दूध का पैकेट होता है, तो एक दूध का डब्बा मुझे मिला है। मैं दूध का ही एक्चुअली सॉरी, ये दही का डब्बा है। दूध का जो पैकेट होता है वो लंबा होता है, वो पूरा गायब हो गया है। एंड कैचअप भी पूरा ख़त्म हो गया है, कैचअप भी नहीं है यहाँ पे। एंड सो अभी मैं जाऊँगा दूसरे वाले स्टोर, वहाँ पे जाके देखता हूँ कि कुछ आइटम्स है कि नहीं है, नहीं तो ऐसे में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ सो आप देख सकते हो भीड़ भी है यहाँ पे, सब मतलब अपने घर पे स्टोर कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी, बट ऐसी सिचुएशन आ गई है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, एंड इस सिचुएशन में आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, सैनिटाइज ही रखना पड़ेगा, दूसरों से कॉन्टैक्ट कम करना है। जैसे कि मैं भी सैनिटाइज़र तो मैं हमेशा ले के ही घूम रहा हूँ, वो भी मेरा ख़त्म होता जा रहा है। सैनिटाइज़र देखो कि थोड़ा सा ही बचा हुआ है हैंड सैनिटाइज़र, मुझे बड़ा सैनिटाइज़र मिल नहीं रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, अभी मैं दूसरे स्टोर जाता हूँ और चेकआउट करता हूँ।
अगर आपको भी अपने सामान वगैरह स्टॉक करना है तो बिल्कुल कर लो, कहीं मिल रहा है अगर सैनिटाइजर तो ले लो, कुछ सामान अगर खाने पीने के मिल रहे हैं तो ले लो। और जो लाइन है, क्यू लाइन है, वो भी देखो कितनी भीड़ है अभी बिलिंग काउंटर के लिए। सो उसके बाद मैं पहुंचा वियना के एक और ग्रॉसरी स्टोर पे जहां पर सब्जियां पूरी ख़त्म हो गई थी, मतलब जहां पे लोग जो आइटम लेते नहीं थे, आलू प्याज यहां पे लोग ज़्यादा लेते नहीं थे, वो पूरा आलू प्याज टमाटर कुछ भी नहीं छोड़े, सबका सब ले गए। एंड उनको जो मिल रहा था, जो भी इंडियन सब्जी मिल रही थी, एक्चुअली मैंने कई बार देखा था यहाँ पे कि लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत कम खाते थे, जो ऑस्ट्रियन लोग हैं बहुत कम खाते थे, मतलब ये सब्जी भाजी ये सब ज़्यादा खाते ही नहीं थे, पूरा भरा रहता था ये काउंटर। और ये पूरा काउंटर आज पूरा खाली है, देखिए पूरा का पूरा सब्जी वाला काउंटर जो है वो ख़त्म हो गया। और एंड सिर्फ अल्कोहल ही बचा है यहाँ पे, पूरा अल्कोहल यहाँ पे भरा हुआ है, लोग अल्कोहल भी ले जा रहे हैं क्योंकि कहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अपने आप को हीटअप रखना है और अल्कोहल किल्स करो ना, पता नहीं शायद ये सही है या नहीं, बट अल्कोहल है लोग ले जा रहे हैं यहाँ पे। खैर, टॉयलेट पेपर सबसे ज़रूरी, टॉयलेट पेपर जो यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, मैं टॉयलेट पेपर की तलाश में निकला यहाँ पे, ये एक्चुअली पानी तो यहाँ पे यूज़ होता नहीं है, सो टॉयलेट पेपर इज़ द, सो आपको पेपर ही यूज़ करना पड़ता है। एंड किचन को बहुत ज़्यादा क्लीन रखने के लिए आपको किचन पेपर्स चाहिए होते हैं, वो सब भी जो है पूरे ख़त्म हो गए यहाँ पे। क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब तक क्लीन नहीं रहेंगे, प्रॉपर हाइजीनिक नहीं रहेंगे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। सो ये सब चीज़ें जो है, जैसे टॉयलेट पेपर्स हो गए, किचन पेपर्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, ये सब पहले लोग पूरे उम्र पड़े उस पर। और ऐसा नहीं है कि वो, मतलब वो स्टोर करके रख रहे थे अपने पास में, वो ले जा तो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि वो एक डेढ़ हफ्ते तक घर पर रहेंगे, सो इसलिए उनको स्टोर करना पड़ रहा था। कोई ज़्यादा सामान इसलिए ही ले जा रहा था क्योंकि वो घर से ना निकले, सुविधा रहे उनके लिए, नहीं है फिर भी जो है आइटम्स ख़त्म हो गए। इसका एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि बॉर्डर्स जो है वो लॉकडाउन है, सो सामान की सप्लाई यहाँ पे बहुत धीरे हो रही है। एंड मैंने एक और स्टोर पे जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी उनके स्टोर पे, आज तक कभी भी उनके स्टोर पे 5000 यूरो से ज़्यादा का सेल नहीं हुआ है, और आज का दिन 5000 यूरो पूरा सेल हुआ है, पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, सो और पूरा सामान ख़त्म हो गया। सो देखा आपने कि कैसी सिचुएशन हो गई थी कोरोना वायरस, जब वहाँ पे अटैक हो रहा था कोरोना वायरस का, वहाँ पे ऑलमोस्ट उस टाइम पे 1000 केसेस हो चुके थे, तो इस वजह से पूरा स्टेट को लॉकडाउन किया गया, पूरी सिटी को लॉकडाउन किया गया, जिसका असर जो है वो ग्रॉसरी स्टोर्स पर पड़ा। एंड वहाँ पे लोग सैनिटाइजर्स, टिश्यू पेपर्स वगैरह लेने के लिए उभर पड़े थे। साथ ही साथ अभी एट प्रेजेंट आज 31 जनवरी है, एंड इंडिया में जो सिचुएशन है अभी 1400 केसेस हमने रजिस्टर कर चुके हैं अभी तक कोरोना वायरस के। अगर ये फिगर को रोका नहीं गया तो जो 21 डेज का क्वारंटाइन जो लगाया गया है, लॉकडाउन लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो शायद हमें बढ़ाना भी पड़ सकता है गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर इसी तरह हमने अपने आप को घर पर सेफ नहीं रखा और सड़क पर घूमते रहे और लोगों से मिलते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया, तो फिर शायद केसेस जो है वो और बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सिचुएशन समझाता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रिया में था तो वहाँ पर 12, 13, 14 मार्च के आसपास जो नंबर फिगर था केसेस का, वो 1000 के अराउंड था, एंड विद इन 10 to 15 days अगर अभी डाउन द लाइन देखें तो वहाँ पे 7000 केसेस रजिस्टर हो गए हैं, मतलब जस्ट बढ़ते चले गए, ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। एंड इंडिया में अभी 1400 केसेस हम देख रहे हैं। अगर हम ऐसे ही अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं रखे, सेफ नहीं रखे, घर पे नहीं रहे, तो फिर ये केसेस बढ़ सकते हैं, फिगर बढ़ सकता है, वो थाउजेंड्स हज़ार में भी पहुँच, मतलब 10000 में भी पहुँच सकता है। सो इसलिए मेरी सबसे वही रिक्वेस्ट है कि घर पे रहें, हैं उतना ही खाना बनाएं, ज़्यादा वेस्ट मत करें फूड। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, जितने ज़रूरतमंद लोगों हैं जिन तक फूड नहीं पहुंच पा रहा है उन तक वो ऑलरेडी फूड पहुंचा रही है, पुलिस जो है वो फूड पहुंचा रही है, ऐसे सर्विसेज भी हैं जो आपको घर तक सामान ला के दे रहे हैं। सो आप वो चीज़ कीजिए, ना कि रोज़ रोज़ ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाइए, रोज़ सब्ज़ी लेने जाइए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। घर पे रहिए, आपके घर तक सब पहुंचा रही है, सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट अच्छी प्रोवाइड कर रही है। सो बी देयर इन योर होम, स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड, अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखिए। हम नहीं चाहते बिल्कुल कि 21 दिन का लॉकडाउन जो है वो और बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है इंडिया में। ओके, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए।